है प्रीत 6049, जो कि 60 HP का ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। देखिए लुक देखिए इसकी दोस्तों आप, क्या बेहतरीन लुक है। और ये पारस भैया हैं जो कि इस ट्रैक्टर के ओनर हैं, और जो भी इसकी कुछ खास जानकारी है कौन कौन से ट्रैक्टर इन्होंने रखे और प्रीत अभी लेके आए कुछ दिन पहले ही, कैसा चल रहा है, भैया से जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया, लो थोड़ा अपना परिचय दे दो, हाँ, अपने मेरा बारे नाम में है बताओ। पारस राजपूत मोगा, सन ऑफ लाल सिंह मोगा, विलेज अहमदगढ़, पोस्ट जानसर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी, तो भैया ट्रैक्टर की कुछ खास जानकारी दो, क्या किस चीज़ किस इम्प्लीमेंट पे चलाते हो। इम्प्लीमेंट तो हमने क्या नाम है ऐसे रूटर पे या जी डीलर पे चला हुआ है, उसमें कहीं फेल नहीं हो रहा है। अच्छा 66 HP का ट्रैक्टर है। जी अगर कीमत की बात करें तो इससे कम तो इस टाइम कोई है नहीं। जी अभी तक तो क्या नाम है, अक्टूबर में आया था, करीबन 8 महीने होने वाले हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हमें दिखी नहीं। अच्छा, ये तो लोड लाड़ खिंचा से कुछ बढ़िया। 7 फुट का रूटर है, परम का रूटर है, 7 फुट के रूटर में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। टीलर कौन सा चलाया करो। टीलर हमने 11 चलाया है। अच्छा 11 का। बहुत सी कंपनियां हैं, फेमस कंपनी है और जैसे महिंद्रा है और बहुत ट्रैक्टर है, लेकिन आपने यही प्रीति क्यों चुना है, कुछ खास वजह। ये है दिक्कत, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर 1 लाख रुपए ले रहे हैं जी, अच्छा कोई कम करने को तैयार नहीं है इस टाइम इस मार्केट में। इस प्राइस पे क्या नाम है, आपको 40 या 45 पावर के ट्रैक्टर मिलेंगे। जी हमने और जी ट्रैक्टरों की भी बात करी, क्या नाम है, जॉन डियर के, क्या नाम है, जो 40 42 पावर के हैं जी उनका भी रेट वही है, क्या नाम है, 5.5 पौने 6 लाख रुपये, तो उसी रेट में 60 HP 62 HP मिल रहा है। अच्छा, और कोई ख़ास जानकारी दे दो ट्रैक्टर के बारे में। खास जानकारी का पावर स्टीयरिंग है, ऊंचे पायदान है, रिवर्स पीटी है इसमें। हाँ रिवर्स पीटीओ है, जी रिवर्स पीटीओ है, क्या नाम है, और क्या नाम है, 62 पावर का ट्रैक्टर है, और जी टीलर पे भी हमें 1200 RPM पे ही, क्या नाम है, टीलर पे 11 की खुर पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये वीडियो बनवाइयो एक दिन दोनों चीज़ों पे। जरूर। और अब से पहले कौन कौन से ट्रैक्टर चला लिया आपने। आइसर है, सोनाली का है, एस्कूट है, जी, तो इस बार कुछ अलग करने का मन करा। 40 पावर तक ट्रैक्टर थे, बस ये थोड़ा सा एक बड़ा ट्रैक्टर लिया, अच्छा। थोड़ा सा प्राइस की वजह से प्रीत ही लिया, क्या नाम है, क्योंकि हमने जितनी भी छानबीन करी जिस रेट में ये आया उस रेट में 45 पावर से ऊपर का कोई ट्रैक्टर नहीं मिल रहा था। ये तो है। हाँ, कार ट्रैक्टर काफ़ी महंगे हो गए। चाहिए हमें कैश ही था, हर डीलर से हर डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बात कर ली, फिक्स प्राइस है जी, थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये उससे नेगोशिएशन से ऊपर वो करते नहीं है। ट्रैक्टर में अभी तक कोई हमें कमी नहीं लगी, जो भी और ट्रैक्टरों में हैं सारे वो हैं। और कितने गियर है भैया इसमें। अच्छा। इसमें 4 गियर हैं, एक रिवर्स और हाई लो है, यानी कि 8+2 गियर हो गए। कोई खास बदलाव करवाना चाहते हो, कुछ कंपनी को सुझाव देना चाहते हो, जैसे आप किसान हो हम चला रहे हैं। बस मुझे एक कमी आई है इसमें, क्या नाम है, इनके पास इस टाइम इतने ऑर्डर हैं कि ये उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, दिन रात इनका प्रोडक्शन चल रहा है, अच्छा उसकी वजह से, क्या नाम है, मैंने उसमें कंपनी में कंप्लेन कर दी थी जी कि ये, क्या नाम है, निकालते टाइम टेस्टिंग नहीं करके भेज रहे, अच्छा जिसकी वजह से छोटी छोटी कमियां सी रह गई हैं, कुछ लाइट नहीं जल रही है, वो दोबारा आके मेरे यहाँ ही घर आके रिपेयर करके गए हैं। अच्छा ये है तो भैया कमी प्रीत है। वालों सुन लो, अगर कोई प्रीत का भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी वाला हमारी वीडियो देख रहा हो तो भैया की बात पर ध्यान दे, उसका सोल्यूशन करें, क्योंकि एक किसान ही है जो अच्छे से चलाता है, वही उसकी ज़्यादा नॉलेज रखता है, देखता है, तो इस चीज़ पर कंपनी ध्यान करे, थोड़ा सा सुधार करे। और बताओ भैया कुछ। बस बाकी सभी 8 महीने हुए, अभी कोई ऐसी खास कमी लगी नहीं।